सर सचिन मेरा भाई है, क्या गलती की इसने जो इतनी बुरा सर आपने पीटा? लगता मुझे आपकी कंप्लेन ह्यूमन राइट्स वालों को करनी पड़ेगी। बिना किसी एविडेंस के आपने उस पर हाथ कैसे उठाया? तू पढ़ा लिखा लग रहा है, तू बता ये ह्यूमन राइट्स का कानून सिर्फ जनता के लिए होता है, हम पुलिस वालों के लिए नहीं होता? तू मुझसे सवाल कर रहा है ना कि तेरे भाई को क्यों मारा, लेकिन तेरे भाई ने पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है, इसका जवाब कौन देगा? वो सब इंस्पेक्टर के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं होता है? बताओ तुम लोग, उसने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया और उसको ऐसे ही जाने देंगे क्या? उसके दोस्त को मारा जा रहा है बिना किसी रीजन के, उसी गुस्से में उसने ये सब किया। और जिस तरह से आप लोगों ने मारा है ना, थोड़ी भी इंसानियत नहीं आप लोगों में। मेरा भाई कोई क्रिमिनल है? दारू की तस्करी करना भी एक क्राइम होता है, उसी के लिए उसको पकड़ा है, समझे? सचिन शहर में रहे था, उसे जब पता चला कि कार सीज हुई है, फिर वहां से वो आया। उसे पता, उसे ये भी नहीं पता था कि और ये जो सवाल उसके दोस्त को पीटा जा रहा है ना, उसको तो पता भी नहीं था कि उसमें दारू है। आप बुकिंग चेक करो, आपको पता लगेगा कि सवारी किसने कहां पे छोड़ी। Okay, छोड़ो, अब तुम्हारे भाई के ऊपर एक बड़ा केस बनेगा, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने का। बहुत गर्मी है ना, अभी पता चल जाएगा। एहसान, बहुत गर्मी है तेरे के अंदर, अब पता चल जाएगा तुझे। और तू सुन, मेरे भाई ने जो क्राइम किया ना, इसके लिए जमानत नहीं मिलेगी। अब जाके वकील लेके आओ और कोर्ट में बात होगी, जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट में ही होगा। किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरी गाड़ी में दारू डाल के मेरे को फंसाया ना, मैं इसको छोड़ेगा नहीं। एक बार इधर से निकलने दे, उस आदमी को ढूंढ के जान से मार देगा मैं। देखा इतनी गर्मी है इसके अंदर, अंदर रहकर बाहर वालों को मारने की धमकी दे रहा है। अंदर रहेगा ना तो सब एक निकल जाएगी। नहीं सर, जो आप गुस्सा देख रहे हैं ना, वो वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, दिमाग थोड़ा गर्म जरूर है, पर दिल बहुत साफ है इनका। मैं सच कह रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ये इतने अच्छे इंसान है कि किसी अनजान इंसान की भी मदद करे। मैं सर आज भी ये अपने दोस्त की मदद करने के लिए आए थे और ये सब कुछ हो गया। प्लीज किसी बेगुनाह को सजा मत दीजिए, उसने कोई तस्करी नहीं की है, उसे फंसाया गया है। सर प्लीज मेरी बात मानिए, ऐसा नहीं है, प्लीज उन्हें बाहर आने दीजिए। ये आकाश के बोला सर, प्लीज मेरी भाई सच बोल रही है, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे भाई को। प्लीज सर कोई मामला तो कोर्ट में सॉल्व होगा। देखो अभी मामला कोर्ट में सॉल्व होगा, अब निकलो लेके जाएंगे। सर ये फिर ऑफिस गए, वहां पे जाओ, सब लोग जाओ, फटफट जाओ।